विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जो प्रिसियन को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी क्लोजनेस ऑफ डाटा क्लोजनेस ऑफ डाटा टू द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी वायल क्लोजनेस ऑफ डाटा विद इन दैम इज कॉल्ड प्रिसियन तो प्रिसियन को हम स्टैंडर्ड एवियेशन के जरिए मेजरमेंट करते हैं फार्मूला जो स्टैंडर्ड एवियेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड जिसे हम एन से डिवाइड कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसीलिए पॉपुलेशन मीन या म्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एक्स आई इंडिविजल रीडिंग्स हैं और वन से लेकर एन तक तमाम डाटा को हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे जब हम एक्सेल शीट से कैलकुलेशंस करते हैं तो एन की बजाय एन माइनस वन के साथ कैलकुलेशन की जाती हैं और हमें सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देता है कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसे हम स्टेप वाइज करते हैं एक्सेल शीट में तो चंद कमांड्स के ज़रिए हो सकता है लेकिन इस फॉर्मूले को समझने के लिए फॉर एग्जांपल वी हैव इंडिविजुअल रीडिंग्स लाइक एटी वन एटी थ्री एटी और अगर इनका मीन कैलकुलेट किया जाए तो हम इन सातों रीडिंग्स को जमा करेंगे और सात से डिवाइड करेंगे हमारे मीन की वैल्यू आ रही है एटी तो ये मीन को हम इन सब के साथ लिख देते हैं एटी वन हर रीडिंग को इस मीन में से माइनस करेंगे अब आपकी बाज़ रीडिंग्स माइनस में भी आएंगी माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री अगर एग्जैक्टली exactly मीन के बराबर है तो ज़ीरो भी रीडिंग आएगी अगर आपकी इंडिविजुअल रीडिंग मीन से ज़्यादा है तो आपकी रीडिंग पॉजिटिव में भी आएंगी लेकिन जब इनका स्क्वायर लिया जाएगा तो ये सारी नेगेटिव और पॉजिटिव रीडिंग्स पॉजिटिव फॉर्म में ही ढल जाएंगी इसके बाद हम इन सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे जिनका सम ट्वेंटी टू आ रहा है और एन माइनस वन यानी हमारी सात रीडिंग्स थी तो हम इसकी सात की बजाय छः से इसे डिवाइड करते हैं थ्री पॉइंट सिक्स इसे अगर राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्सीमेटली फोर आंसर आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे इस फोर का अंडर रूट लेना है जिसके बाद मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दो आ रही है। जब हम रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं तो बेसिकली मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ये रिपोर्ट करने का तरीका है यानी जो डाटा मेरे पास मौजूद है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 83 और मिनिमम वैल्यू तकरीबन 79। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ इससे एक्जैक्टली सेम आ रही हैं इस तरह कुछ वैल्यूज़ इससे कम भी आ रही हैं मेरा मेनली डाटा वो इसी एक्सपेंडेड फॉर्म के दरमियान कवर हो जाएगा यानी 79 से 83 तकरीबन तमाम डाटा मौजूद है कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली एक गोशन कर्फ जो हम पहले ऑब्जर्व करते रहे हैं उसमें कितना डाटा कवर हो रहा है इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहेंगे इस गोशन कर्फ में जो मेन हमारा पोर्शन होता है यानी सिक्सटी एट परसेंट वो प्लस माइनस वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान ही लाया करता है यानी सिक्सटी एट परसेंट हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कैलकुलेट की है फॉर्मूलाज लगा के तो अगर 81 वन प्लस माइनस प्लस टू और माइनस टू इसके दरमियान मेरा मैक्सिमम डाटा लाइक कर रहा होगा सिक्सटी एट परसेंट चांसेस ये हैं कि डाटा मेरा इस पोर्शन में लाइक करेगा अगर मैं टू टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एटी वन प्लस फोर और एटी वन माइनस फोर कंसिडर करूँ तो फिर चांसेस हैं कि मेरा नाइन्टी फाइव परसेंट डाटा वो इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरम्या यानी मैंने डाटा की वैल्यूज़ बढ़ा दी तो जो रह गई थी वो वैल्यूज़ भी इसके दरमियान ज़रूर आ जाएंगी और अगर थ्री टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन से हम इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो उसमें तकरीबन नाइन्टी नाइन परसेंट डाटा कवर हो जाता है ये वैल्यूज़ यानी सिक्सटी एट परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट या नाइन्टी नाइन परसेंट इसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं यानी वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन लें प्लस माइनस अपनी मीन वैल्यू से करें तो 68 एट परसेंट चांसज़ हैं कि आपका डाटा इसी दरमियान लाई कर रहा होगा और टू टाइम स्टैंडर्ड एवियशन प्लस माइनस के दरमियान आपका 95 फाइव परसेंट डाटा और थ्री टाइम स्टैंडर्ड एवियेशन के दरमियान आपका तकरीबन नाइनटी नाइन परसेंट डाटा लाए कर रहा होगा अभी तो हमने सिर्फ सात रीडिंग्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था जब हमारी रीडिंग्स सैकड़ों में होती हैं तो फिर ये स्टैंडर्ड एवियेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देने के काबिल हो जाती है